धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बसई नवाब इलाके में दो स्थानों पर आग लगने से कई लोगों का हुआ लाखों रुपए का नुकसान। सोमवार का दिन धौलपुर जिले में आग लगने के हादसों के नाम रहा। आज जिले के लगभग 4 स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बसई नवाब क्षेत्र के गांव पिपहेरा व कोलारी में विद्युत लाइन में हुई स्पार्किंग के चलते आज सोमवार को आग लग गई। जैसे ही आग लगने की खबर प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में उपखंड अधिकारी सैपू ललित मीणा, पुलिस उपाध्यक्ष सैपू विजय कुमार सिंह, जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान, कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल, बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पिपहेरा में करीब एक दर्जन किसानों के भूसा के कूप व ईंधन बिटोरे आदि में आग लगने से हुए नुकसान का जायजा लिया। घटना की सूचना पर पहुंची एक के बाद एक 4 दमकलों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान भवानी, केदार, मानिक चंद्र, शिवशंकर, योगेश, सियाराम, सोंदे, ताराचंद, निरंजन शर्मा, रामकुमार शर्मा, भूरी सिंह, रामबती, द्रौपदी, मोहन सिंह, अशोक, महेंद्र सिंह, सहित खां, रतन सिंह, कल्याण सिंह, राधेश्याम, राम खिलाड़ी छितरिया आदि का काफी नुकसान हो गया। लोगों ने बताया कि दोपहर के समय विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने से निकली चिंगारी से पिपहेरा हनुमान मंदिर के पास आग की घटना हुई है। आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की मशक्कत में जुड़ गई, लेकिन तपती दोपहरी के बीच तेज हवाओं से आग चारों ओर फैल गई। इस दौरान ग्रामीणों के सारे प्रयास विफल रहे। इस बीच ही कोलारी में गेहूं की फसल के गल्ले में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जिला मुख्यालय से पहुंची 4 दमकलों के पिपहेरा में बिजी होने से कोलारी से सूचना के बाद भी दमकल पहुंचने में काफी देर हो गई, जिससे रामबीर लोधा की करीब 2.5 बीघा खेत की फसल जलने से उसका काफी नुकसान हो गया। बताया गया है कि खलियान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के तारों में स्पार्किंग होने से आग की घटना हुई है। लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। प्रशासन के साथ ही विद्युत विभाग के AEN और JEN भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना का जायजा लिया। रेस्क्यू का भी काम करें, कंजर बिटोरो में आग लगी थी, उसी के लिए हम लोग सब लोग आए। जी साहब भी हैं, मुझे साहब भी, हम सब लोग भी यही हैं और इनके नुकसान का आकलन कराएंगे और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प होगी गवर्नमेंट के थ्रू उसके लिए करेंगे। हम सरपंच साहब को किया है, इसमें अपना इनफॉर्मल वे में भी जो हेल्प हो सके वो बंद करवाएँ ताकि नुकसान। एक कोलारी में भी आज आगजनी की घटना हुई, हाँ कोलारी का भी बताया था हमें, तो वहाँ पर भी आकलन कर रहे हैं, रेवेन्यू की टीम जो है वो आकलन कर रही है, वहाँ भी जो मैक्सिमम हेल्प हो पाएगी। मतलब पिपहेरा का रहने वाला हूँ सईद खान, और साहब मतलब 20-15 घन के मतलब ईंधन और कंडा भूसो जल गया साहब, लाइट थे आग कैसे लगी, आग लाइट थे फंड हो गए। क्या घटना हुई? हाँ दोपहरी में यहाँ पर आग लग गई, यानी कैसे किया ने फंड किया कैसे, मैं क्वार्टर के अंदर सो रहा था, बाई चांस इसमें आग आ गई, मैं आग की लपेट में आ गया था, मेरे बाहर का जो कमरा है वो सब जल गया, गंबर वाले मुझे बाहर से यहाँ से निकाला। क्या नाम? पूरन चंद। कर्मचारी कहाँ गए? पूरन चंद यही पिपहेरा। वाटर वर्क्स कर्मचारी, वाटर वर्क्स कर्मचारी ऐसे बोलो। हम पिपहेरा बालाजी के द्वारा बोल, आज दोपहर करीब 1 बजे लगी थी, वहाँ गांव के 150 आदमी दौड़ के पहुँचे, जब तक आग ने बहुत तगड़ी तूल पकड़ ली। वहाँ सभी प्रशासन, SDM साहब, BDO साहब, तहसीलदार जी, ब्लॉक के सारे अधिकारी एक घंटे बाद उपलब्ध हो गए, दमकलें आई पानी की और वो उन्होंने आग पर आकर के काबू पाया। कितने लोगों की आग लगी? आग लगी है कम से कम 40 लोगों का नुकसान हुआ है। क्या क्या जला है? गेहूं, भूसा, कंडे, ईंधन, सारी चीजें खेतों में भी आग पहुंच गई थी, सारा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम कल्याण सिंह, नाम पिपहेरा।
सर मैं पेपेरे गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ 15-20 लोगों के मकानों के घरों पे ईंधन कंडा भूसा ये सब जल गया और 3 घंटे करीबन हो गए, 3 घंटे से एम्बुलेंस आई नहीं और फोन करते करते पागल हो गए। जब से अब आई है, जब से अब थोड़ी सी वो राहत मिली। आग कैसे करी? आग तार फोड़ लेते। नकाबपोश 3 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर की बाइक सवार से लूट। धौलपुर बाड़ी रोड पर बीती रात को बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक बाइक सवार के साथ कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना रविवार सोमवार की रात करीब 9:30 बजे की धौलपुर बाड़ी रोड पर स्थित नयापुरा गांव विशौंदा धौलपुर के पास की है, जहां 3 अपाची बाइक पर सवार बदमाशों ने अवैध कट्टे के बल पर एक बाइक सवार से 5,000 रुपए की नकदी और मोबाइल लूट लिया। घटना का शिकार हतियापोर मोहल्ला बाड़ी कस्बा निवासी संजीव शर्मा पुत्र रमेश चंद्र शर्मा हुए हैं। घटना को लेकर पीड़ित संजीव शर्मा पुत्र रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वह MBA कंपनी में कार्यरत है। रविवार को देर रात को अपनी बाइक से बाड़ी लौट रहा था। रास्ते में अचानक विशौंदा गांव के पास पीछे से आई अपाची गाड़ी पर बैठे 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोक लिया और कट्टा दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उनके पर्स में 5,000 रुपए की नकदी और मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित ने घटना के बाद पुलिस को सूचना दी। घटना को लेकर आज सोमवार को पीड़ित ने सदर थाना धौलपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत भी दी है। तो 9:30 बजे करीब ये दुष्णोदा से 1 किलोमीटर आगे बाड़ी की तरफ 3 लड़के अपाचे बाइक से आए, उन्होंने मेरे आगे गाड़ी खड़ी करके और कट्टा निकाल के लगा दिया। बोले तो ये क्या क्या चीज़ है वो निकाल के दी, ये था। जब मैं देने लगा तो उन्होंने रोड से नीचे उतार के फिर मुझसे पर्स और मोबाइल लेके लिए। मोबाइल पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर किया था जानलेवा हमला। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने लूट व हत्या के प्रयास के मामले में करीब 2 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि 2 वर्ष पहले BJP के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरेशी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी भूरा सरदार उर्फ सतविंदर पुत्र जुजार सिंह जाट सिख निवासी पुरानी RTO ऑफिस के पास सैपऊ रोड धौलपुर फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी भूरा सरदार की तलाश में कई दिनों से लगी हुई थी। देर रात को सूचना मिली थी कि आरोपी अपनी मां से मिलने के लिए घर आया हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह गुजरात में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां से वह रविवार को अपनी मां से मिलने के लिए धौलपुर आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली के लूट और हत्या के प्रयास के प्रकरण में इनामी बदमाश भूरा और सतविंदर सिंह जो वांछित चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसको सूचना मिलने पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकरण में लगभग सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए, 1 मुलजिम मयंक बाकी है जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। प्रसिद्ध रहना वाली माता मेले की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर खड़े हुए सवाल। जिले के राजाखेड़ा उपखंड के मरेना कस्बे के पास गोलीपुरा गांव के पास लगने वाले रहना वाली माता के लक्खी मेले की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर उस समय सवाल खड़े हो गए जब मेले में ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल के ऊपर एक ईंट गिरने से वह चोटिल हो गया, लेकिन मेले में प्राथमिक उपचार के लिए कोई चिकित्सा टीम मौके पर मौजूद नहीं थी। इस पर कांस्टेबल को तुरंत मरेना ले जाना पड़ा, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। आपको बता दें कि बीहड़ों के बीच में स्थित रहना वाली माता राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, जिससे लक्खी मेले में लाखों श्रद्धालुओं माता के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन में भी चिकित्सा विभाग की ओर से मेले में प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा होना लाजमी है।
वहीं इस समय गर्मी बहुत भीषण है, ऐसे में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होगा, यह भी बड़ा प्रश्न बना हुआ है। मामला यूं है कि सदर थाना धौलपुर की पचगांव चौकी पर तैनात कांस्टेबल विक्रम सिरांधना की रहने वाली माता मेले में मेन गेट पर ड्यूटी लगी है, जहां आज सोमवार को दोपहर में कांस्टेबल के ऊपर ड्यूटी के दौरान गेट के ऊपर से ईंट गिर गई, जिससे वह चोटिल हो गया। लेकिन यहां प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की ओर से मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस पर साथ ही पुलिस कर्मी कांस्टेबल को इलाज के लिए मरेना ले गए, जहां उसका इलाज किया गया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केवी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी, 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 धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सरमथुरा में ली सामाजिक संगठनों की बैठक, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। गत दिनों निकटवर्ती करौली जिले में हुई घटना के बाद सरमथुरा उपखंड में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज सोमवार को उपखंड कार्यालय सरमथुरा पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जिला कलेक्टर ने कहा कि जो कुछ भी वहां हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। राजस्थान के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द तथा भाईचारे की भावना के साथ रहने की प्रवृत्ति सदैव ही रही है। शांति, सद्भाव और भाईचारे की शानदार विरासत को बरकरार रखना हम सभी का फर्ज है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस सांप्रदायिक अमन चैन को भंग करने का प्रयास किया गया है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में आप सभी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मीटिंग में आए सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और आम जन से विचार विमर्श कर आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के लिए सुझाव लिए और लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। बैठक में SDM मनीष कुमार ने कहा कि निकटवर्ती करौली जिले में जिस प्रकार घटना घटित हुई उससे सभी धर्मों में गलत संदेश जाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी धर्मों को मिलकर प्रयास करने होंगे। बैठक के दौरान सरमथुरा DSP राजेश चौधरी ने कहा कि अफवाह पर ध्यान न देते हुए आपसी भाईचारा और प्रेम को बनाए रखें, इससे समाज की एकता की मिसाल पेश की जा सके। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए हुए अनावश्यक और झूठी खबरों को वायरल ना करें, ताकि माहौल खराब ना हो और झूठी खबरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ DSP राजेश चौधरी ने सख्ती से पेश आने की बात कही। इस दौरान थाना प्रभारी अनिल गौतम, तहसीलदार प्रवीण गुप्ता, चेयरमैन नगर पालिका जलाल खान, सोनू शर्मा चरोरे, अमित सोनी, शिवम खेमरिया सहित अन्य संगठनों के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। करौली के में घटनाक्रम हुआ, इसमें सामने थोड़ा बिगड़ा और चूंकि करौली से लगता हुआ इलाका है, तो हम लोगों ने विशेष रूप से रामनवमी का ये त्यौहार चल रहा है, तो ये महसूस करते हुए कि सभी लोगों से बातचीत की जाए, संवाद स्थापित किया जाए और ये देखा जाए कि किसी प्रकार की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज इसी श्रृंखला में पहली बैठक का आयोजन किया कर रहे हैं। आज बाड़ी में भी बैठक है, कल धौलपुर में बैठक का आयोजन कर रहे हैं। सभी लोगों को से ये अपील की गई है कि सांप्रदायिक स्वार्थ बनाए रखने में सबका हित है। कोई अगर घटनाक्रम हो रहा है, कोई सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे ध्यान में ये चीज़ लाई जाए। कुछ मामले हमने चिन्हित किए हैं जिसमें सोशल मीडिया का एंगल का दुरुपयोग किया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दो तीन दिन में आप लोगों को धरपकड़ करेंगे। अगर सभी लोग इसमें हमें सहयोग प्रदान करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सांप्रदायिक स्वार्थ बनाए रखने में सफल रहेंगे।
नवरात्रि व रमजान में दे आपसी भाईचारे की मिसाल, जिला कलेक्टर जायसवाल। करौली में नववर्ष प्रतिपदा पर निकाले जा रहे बाइक जुलूस पर हुए हमले और पथराव की घटना के बाद बिगड़े माहौल को लेकर अब धौलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर ने आज सोमवार को सीमावर्ती जिला होने के चलते विशेष सतर्कता बरतने के पुलिस को निर्देश दिए हैं। साथ में उन्होंने पंचायत समिति परिसर बाड़ी में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों की एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उपखंड प्रशासन के अधिकारी, नगरपालिका के पार्षद गण एवं शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में नवरात्रों के साथ रमजान का त्योहार चल रहा है, ऐसे में आपसी भाईचारे का ऐसा परिचय देना है कि लोग उसकी मिसाल दें। उन्होंने कहा कि बाड़ी का इतिहास रहा है कि यहां कभी किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे माहौल बिगड़े। ऐसे में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के गणमान्य लोगों को संबोधित किया और कहा कि आप लोग एक दूसरे से सहयोग की भावना रखें, हर त्योहार पर एक दूसरे का लोग सहयोग करें, ऐसा माहौल होना चाहिए। बैठक के दौरान मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ शहीद खान के साथ इस्लामुद्दीन बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामजीत सिंह, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह, माता मेला अध्यक्ष रुकमपाल सिंह जादौन, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष महेश भटेले, जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारसर, भारत भूषण भारद्वाज, बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह, तहसीलदार गिरधर लाल के साथ तमाम पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गणगौर मेले के उपलक्ष्य में बसेड़ी में हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 3 दिवसीय गणगौर मेला महोत्सव के दूसरे दिन रविवार रात नगरपालिका बसेड़ी व गणगौर मेला कमेटी के सौजन्य से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संस्कृत विद्यालय के समीप किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां एवं नृत्य किए, जिस पर हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक अपनी जगह पर झूमने लगे। इसके अलावा कार्यक्रम में माता रानी के भजनों पर माहौल भक्तिमय हो गया। कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। पहली बार बसेड़ी में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीनों दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आमजन में काफी अच्छा उत्साह देखा जा रहा है और कार्यक्रम देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता मौजूद है। आग से 3 पशुओं की मौत, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। धौलपुर शहर के नेहालगंज थाना इलाके में ओड़ेला रोड पर आबकारी थाने के पास बिजली के तारों की चिंगारी से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें एक पशु और उसके 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई। वहीं आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक ब्रजकिशोर शर्मा पुत्र जसवंत सिंह मूल निवासी पथरोला खुर्द बरेह मोरी व हाल निवासी रीको धौलपुर के घर में बिजली के तारों में चिंगारी उठने से आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि आग में एक भैंस और उसके 2 बच्चों की जलने से मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही गेहूं सहित भूसा एवं अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए, ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें, इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी।
उच्च क्वालिटी की एसआर मार्का ईंटों के निर्माता श्रीराम ब्रिकफील्ड पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने एनएच 123 कुम्हेरी धौलपुर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। बाड़ी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बाड़ी शहर के संत नगर रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना को लेकर मृतका के पति ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कोई गलत दवा खाने और तबीयत बिगड़ने पर मौत होने के मामले में कानूनी कार्यवाही को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने पीहर पक्ष की मौजूदगी में पंचनामा कराकर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। बाड़ी कोतवाली थाने के जांच अधिकारी कंपोटर सिंह ने बताया कि कृष्णा कॉलोनी संत नगर रोड बाड़ी निवासी 27 वर्षीय खुशबू बड़ाना पत्नी लक्ष्मी चंद जाटव की आज सोमवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर पड़ोसियों द्वारा अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पीहर पक्ष और ससुराली जनों की मौजूदगी में पति द्वारा दी गई तहरीर और पंचनामा के आधार पर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया है। आपसी सहमति से सब परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर मृतका के पति ने अपनी पत्नी को 7 वर्ष से मानसिक रूप से बीमार बताया है और कोई गलत दवा खाने से तबीयत बिगड़ने और बाद में मौत हो जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर पीहर पक्ष भी मामले में शांत बना हुआ है। मृतका का पति बसेड़ी के हिंगोटा राजकीय मॉडल स्कूल में व्याख्याता के पद पर तैनात बताया गया है। खुशबू अपने पीछे एक 5 वर्ष की मासूम छोड़कर चली गई है। एससी आयोग के अध्यक्ष व बाड़ी विधायक ने किया भामासाहो का सम्मान। मेला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सोमवार को भामासा एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजन अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा, विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह, नायब तहसीलदार मनोज सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक राय सिंह परमार, बद्री सिंह परमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने की व मंच संचालन अशोक तिवारी एवं नत्थी सिंह परमार द्वारा किया गया। मंच व सम्मान समारोह की जिम्मेदारी विवेक गोयल व रवि गोयल दोपुरा वालों ने संभाली। कार्यक्रम के दौरान विधायक बैरवा ने संबोधित करते हुए कहा कि बसेड़ी में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। संयोजक राय सिंह परमार ने कहा कि इस बार तन मन धन से सहयोग करने वाले भामाशाहों कार्यकर्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया, जिससे आगे भी इसी तरह से अपना सहयोग देते रहे। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व आमजन उपस्थित रहे। शेरगढ़ किले पर मंगलवार को शाम 6 बजे होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को शाम 6 बजे महाआरती होगी। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसके पूरे होने के बाद शाम को 6 बजे महाआरती होगी। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने धौलपुर जिले के अधिक से अधिक लोगों से महाआरती कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। जय श्री राम, जय हनुमान। कल मंगलवार को दिन के 2 बजे से शेरगढ़ के किले वाली प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। पाठ के बाद शाम को 6 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ उठाएं। लाट वाली माता मंदिर पर मंदिर कमेटी की बैठक आयोजित। राजाखेड़ा विधानसभा में स्थित मां लाट वाली मंदिर पर मंदिर कमेटी के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गढ़ी विनतीपुरा सरपंच राजेश सिकरवार ने की।
जिसकी अध्यक्षता गढ़ी विनतीपुरा सरपंच राजेश शिकरवार ने की। बैठक में गढ़ी विनतीपुरा जसुपुरा साहापुरा पंचायत के लोगों ने भाग लिया। बैठक में लाठ वाली माता के मंदिर पर लगने वाले मेला की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सरपंच राजेश सिकरवार ने बताया कि 6 अप्रैल बुधवार को प्रातः 9 बजे राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के द्वारा मेले का शुभारंभ किया जाएगा। बैठक में मौजूद सभी लोगों को मेले को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1,00,000 रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट गल्ला मंडी के बगल में जीटी रोड बस स्टैंड धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादर है, टाटा शक्ति लोहे की चादर है, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादर है, लोहे की प्रोफाइल कलर चादर है, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओणिला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। अज्ञात कारणों से लगी आग, बाइक सहित घरेलू सामान जलकर हुआ राख। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव धोकापुरा में आज सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसे झोपड़ी में रखी एक मोटरसाइकिल, लेजम पाइप, कूलर, पंखा सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की उठती लपटों को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पीड़ित के परिजनों के चीखने चिल्लाने और उठती आग की लपटों को देख बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने निजी संसाधनों से आग को बुझाने में जुट गए। लेकिन ग्रामीणों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक झोपड़ी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी, जिसमें रखी एक मोटरसाइकिल, कूलर, पंखा, पलिका, लेजम पाइप, बच्चों की किताबें सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पीड़ित के भतीजे भोलू ने बताया कि आज दोपहर करीब 12 बजे अज्ञात कारणों से मेरे चाचा महावीर पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी धोकापुरा की झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें रखी मोटरसाइकिल, सीडी डीलक्स, करीब 10,000 रुपए की नकदी, कूलर, पंखा, करीब 7 पलिका, लेजम पाइप, बच्चों की किताबें सहित गृहस्थी का घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिसमें करीब 1,25,000 रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने की गणगौर पूजा। सरमथुरा उपखंड सहित क्षेत्र में गणगौर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवार का दिन भर व्रत रखा और दोपहर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की एवं गणगौर माता के प्रभाव की कथा सुनी। बताया जाता है कि कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति के लिए भी गणगौर पूजा का विशेष महत्व है। महिलाओं ने दोपहर में समूह में एकत्रित होकर एक स्थान पर माता गौरी और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर हवन की और आरती की। इस अवसर पर गणगौर माता के व्रत की कथा सुनाई गई। राजाखेड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष ने करौली हिंसा को लेकर दिया बयान। राजस्थान के करौली जिले में हिंदू नववर्ष के अवसर पर आरएसएस की शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा फैलाई व पत्थरबाजी की गई थी, जिसको लेकर आज सोमवार को राजाखेड़ा भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने कांग्रेस सरकार की विफलता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। नववर्ष के अवसर पर करौली में जो हिंदू समाज की रैली निकल रही थी, प्रभात फेरी निकल रही थी, उस पर जिस तरीके से ऊपर से पत्थर फेंके गए, कातिलाना हमला किया गया, जिसमें निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उस सारे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार जो तुष्टीकरण की नीति अपना रही है वो उचित नहीं है। अगर
किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश की गई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी और उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। छप्परपोष घर में लगी आग, गाय की मौत, अन्य पशु झुलसे। राजाखेड़ा इलाके के देहुली गांव में रविवार दोपहर अचानक अज्ञात कारणों से छप्परपोष घर में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 2 बजे के करीब पंडित पंचम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह लोधा उम्र 45 वर्ष के यहां छप्पर नुमा घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो गया। पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आग में एक गाय जलकर मौके पर ही दम तोड़ गई, एवं भैंस और बकरी भी लगभग पूरी तरह झुलस गई। इसके साथ ही खाने पीने का सामान व दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी जलकर खाक हो गई। मौके पर पटवारी द्वारा मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की गई। बाबा साहब के जन्म उत्सव पर होंगे मानव कल्याणकारी के कार्य। युवा शक्ति जाटव महासंघ द्वारा 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए संगठन के अध्यक्ष रविंद्र मौर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन जिला कार्यालय दरियापुर धौलपुर पर किया गया। रविंद्र मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के सभी सदस्यों को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए तथा समाज के सभी युवाओं को परोपकारी सेवा भाव से मानव कल्याण के लिए जागृत होना चाहिए। बैठक में बाबा साहब के जन्म उत्सव पर 14 अप्रैल को मानव कल्याणकारी के कार्य करने का निर्णय लिया। बैठक में महासचिव सुरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार, कोषाध्यक्ष सालिक राम आदि मौजूद रहे। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार की व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहां मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 79-76-60-46-75। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।